बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। तो बच्चों, आज हम अपना एक अलग से थोड़ा राइटिंग पार्ट करेंगे, ओके? तो अभी हमने स्वर हम पढ़ रहे थे ना, तो हम स्वर लिखेंगे अभी, ओके? अभी हम जैसे स्वर से वर्ड पढ़ रहे, इतने सारे शब्द पढ़ रहे थे, बट अभी हम जस्ट अ से आ तक स्वर लिखेंगे, ओके? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट। फिर जिस डेट को आपका होमवर्क आता है, आपको वाली डेट डालनी है यहाँ, ओके? यहाँ पे लिखेंगे स्वर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्वर, ओके? फिर स्वर कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ना, कौन कौन से स्वर होते हैं, किसको किसको पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अम आहा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके? तो फर्स्ट लाइन में हम अ की लाइन लिखेंगे, ओके? सॉरी, माय मिस्टेक। तो अ पहले कैसे बनाते हैं? ऐसे थ्री की तरह बनाते हैं, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, अ। तो हम इस पूरी लाइन में अ लिखेंगे, ओके? जितने भी टाइम लिखें, यहाँ हम पूरे में अ लिखेंगे। आप अपने हिसाब से बॉक्स बना के ऐसे लाइन खींच के भी लिख सकते हो, ओके? अ। तरह से जैसे हमने अ लिखा है, इसी तरह से हम दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? आ, ओके? तो इस तरह से हम सारी लाइनों में अलग अलग स्वर लिखेंगे। आपको पता है स्वर किसको बोलते हैं? यस और नो? यस, जैसे हमारे इंग्लिश में वोवल्स होते हैं, उसी तरह से हिंदी में स्वर होते हैं, है ना? अ आ आ आ। जरूरी नहीं है कि जितने सारे मैंने लिखे उतने लिखे, आपके लाइन में जितने आते हैं आप उतने लिखना। अ आ के बाद क्या आता है? ई, ई कौन सी आती है? छोटी वाली ई आती है ना, पहले छोटा सा होता है साउंड, कैसा? ई। फिर कौन सी ई आती है? ई। तो ऐसे बोल बोल के आपको लिखते जाना है, ओके? ई ई ई ई ई ई। ई के बाद क्या आता है? अ आ इ ई उ। पहले कौन सा आता है? उ। उ तो हम उ लिख लेंगे। फिर क्या था? उ। क्या आता है? उ। हम लिख लेंगे उ।
पहले हमने उ लिखा, फिर ऊ, फिर क्या आता है किसको पता है, यस, फिर आता है री, 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 जिसको आप गुजराती में रू बोलते हो, हिंदी में उसको री बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको पूरे स्वर, जितने 13 स्वर हैं, तो आपको सारे के सारे स्वर राइट करने हैं, लिखना है, है ना। हिंदी में हम बोलेंगे लिखना है। री के बाद क्या आता है, कौन बोलेगा, री के बाद आता है ए, है ना, ए, ए। ए के बाद क्या आता है, आए, लिखेंगे आए, बोल बोल के लिखते जाएंगे तो आपको लर्न भी होगा, है ना। तो आए, आए, इस तरह से आपको लिखते जाना है और बोलते जाना है। ए के बाद क्या आता है, ओ, ओ, ओ लिखेंगे, ओ। अगर आप कुछ नहीं लिखते बनता है तो आप पूछ सकते हो, और राइटिंग वर्क में अपनी मम्मा की, दीदी की, भैया की थोड़ी सी आप उनसे पूछ सकते हो कि ये मुझे कैसे लिखना है, इसको मैं कैसे बनाऊं, ओके। ये नहीं कि मम्मा से ही लिखवा लिया या दीदी से ही लिखवा लिया, ओके। आपको खुद राइट करना है, खुद से ही लिखना है सारा। ओ के बाद क्या आता है, आओ, आओ, है ना। तो कई बच्चे इसमें डबल मात्रा नीचे लगा देते हैं, इसमें एक ही मात्रा होती है नीचे, ओके। नीचे एक होती है और ऊपर दो होती है, ओके। औ, औ, और अच्छी सी राइटिंग में लिखना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है, ओके। हमें अपनी राइटिंग भी तो अच्छी करनी है ना, क्योंकि हमें तो राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं ना। औ के बाद क्या आता है, औ, 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 आओ। लास्ट में क्या आता है, कौन बोलेगा, अंग से, अंग हमने लिख लिया, अभी अंग के बाद क्या आता है, आहा, आहा। तो आहा क्या होता है, खाली, आहा की दो बिंदियां लगाई जाती है ना, आहा। आहा, आहा, आहा।
तो बच्चों इस तरह से आपको सारे स्वर लिख लेने हैं। अ से अनार, आ से आम, इसे इमली, इसे ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहाध बिंदी खाली। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है, और जो समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।